Good morning. ज्योतिका जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्यूटीफुल अभी 5:45 हुए हैं मॉर्निंग के। ये यहाँ चिली आ गए हैं। बहुत इंतजार के बाद सैटरडे है और मेरे रूम का क्लीनिंग डे है, तो इसको मैंने पूरा क्लीन कर दिया है अच्छे से। और ये देखो, वॉशरूम में भी कचरा इकट्ठा करके रख दिया है। ये तो थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा निकलता है एवरी टाइम। बीच में मैंने क्लीन किया था और यहाँ पूरे रूम में जब वैक्यूम करूँगी बाद में मैं ये आपको दिखाऊँगी कितना कचरा निकलता है एक वीक में। यहाँ से और नीचे भी जाता है, थोड़ा वैक्यूम तो कर देंगे। तो ये है और ये पैसेज एरिया। फिर मैं आपको मेरा वैक्यूम कितना फुल हो जाता है दिखाती हूँ। देखिए कितना सारा, ये ओनली 3-4 दिन का ही है। 3-4 दिन के पहले मैंने वैक्यूम तो कर दिया था, फिर भी इतना सारा डस्ट निकलता है। कनाडा में भी ऐसा नहीं है कि भी डस्ट नहीं होती, क्लीन तो करना ही पड़ता है एवरी टाइम एवरी डे। तो ये है
क्लीनिंग डे आज का। इसको क्लीन करके रख दिया तो सब लोग अपने अपने रूम में से क्लीन कर देंगे बाद में। नहा धो के रेडी हो गए हैं। इंडियन आउटफिट पहना है यार। राइस धो के रख दिया है और आज कटहर की सब्जी बनाएंगे, एक रसे वाली। राइस और ये मसूर की दाल है, मसूर की दाल और ये राइस तो के रख दिया है। राइस, दही, पापड़ और अचार। आज सैटरडे लाइट ही खाना होगा। तो फिर चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद बुलाती हूँ खाना खाने, तैयार रहना। कल मैंने आइसक्रीम के कंटेनर में दही बनाया था, देखिए कितना अच्छा है, एकदम तो कांच के बर्तन में भी मेरा घर का बनाया हुआ दही अच्छा बनता है और प्लास्टिक में भी। तो ये है, खाना रेडी है, आ जाइए सभी लोग। हल्का फुल्का ही खाना है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक आप सब सही सलामत रहे, सेफ रहे, घर पे रहना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू, हैव अ गुड डे। बाय बाय।